अयोध्या धाम में इस वक्त चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस के जवान तैनात है, बाइक पर, फोर व्हीलर पर, तमाम इक्विपमेंट से भरे हुए गाड़ियों पर यूपी एटीएस के जवान कमांडोस जो हैं वो लगातार तैयार हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जरा विकास ठाकुर आप आगे की तरफ बढ़िए, आइए और यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बाइक पर यूपी एटीएस के जवान और बाइक के बाद उसके बाद उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और इस पर यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार तैनात रहेंगे और हम आगे की तरफ की आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यूपी एटीएस के अधिकारी, कमांडोज के अधिकारी वो इस गाड़ियों में तैनात हैं। ये मैं पूरा काफिला दिखा रहा हूं जो लगातार पेट्रोलिंग मार्च करेंगे। उसके बाद हाईटेक गाड़ियां जो कि इक्विपमेंट से लैस हैं, आप देखिए एक जवान जो है ऊपर हाईटेक यहाँ पर है, खड़े हैं पूरे तैनात होकर, और दूसरी तरफ अंदर इस बख्तरबंद गाड़ी में यूपी एटीएस का कमांडो तैनात है। इस तरीके से कितनी गाड़ियां लगातार जो है पेट्रोलिंग करेगी जरा हम आपको बताते हैं। एक यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये दूसरी कमांडो की गाड़ी जो पेट्रोलिंग में शामिल, ये दूसरी कमांडो की गाड़ी है। तीसरी यहां भी देखिए किस तरीके से कमांडो बख्तरबंद गाड़ी में ऊपर तैनात है। ये तीसरी गाड़ी हाईटेक गाड़ियां, आप देखिए किस तरीके से ये हाईटेक गाड़ियां जो हैं ये लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। और यूपी एटीएस के कमांडो को देखिए किस तरीके से वो पूरी तरीके से अलर्ट मुद्रा पे हैं कि कहीं से भी कोई संदिग्ध दिखे तो उस पर ये निशाना तुरंत लगाए देंगे, कहीं से भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा और आखिर में इनके जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर है। पीछे की तरफ भी आप देखें यहाँ पर एक कमांडो जो है वो खड़े हैं मुस्तैदी के साथ पीछे की तरफ भी। तो इस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग कमांडोज करते रहेंगे अयोध्या में। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये तैयारी यहाँ पर हो रही है और हम तस्वीरें 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए भी दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए एक बख्तरबंद गाड़ी, दूसरी बख्तरबंद गाड़ी, अब पूरी तरीके से ये अलर्ट हो गए हैं, अब यहाँ से पेट्रोलिंग टीम निकलने वाली, दूसरी है ये, अब आइए अब हम आपको दिखाते हैं तीसरी कमांडो, जरा हम आपको तस्वीरें दिखाएं। तो एक बख्तरबंद गाड़ी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमांडोज जो हैं एक बख्तरबंद गाड़ी में। जरा नीचे की तस्वीरें दिखाइए विकास ठाकुर, ये देखिए। और जब ये पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो एक आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलर्ट मुद्रा पे हैं और दूसरे जो कमांडोज होंगे वो गेट के पास इस तरीके से अलर्ट मुद्रा में खड़े रहते हैं। अब आगे की तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की। ये हाईटेक गाड़ियां उत्तर प्रदेश पुलिस के पास होती है, यूपी एटीएस के पास होती है, आप देख पा रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां। और आप आगे की तरफ आइए, ये जो गाड़ियां हम देख पा रहे हैं ये भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा जो है अयोध्या की वो इस वक्त यूपी एटीएस अपने हाथों में ले लिया। और सबसे आगे जो यहाँ पर है यूपी एटीएस के कमांडो बाइक से लगातार पेट्रोलिंग करते हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यहां पर पूरी तरीके से यूपी एटीएस के कमांडोस अलर्ट पर हैं। और बीते कल यूपी एटीएस ने पेट्रोलिंग करते हुए, सघन चेकिंग करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी एटीएस के कमांडो की कि किस तरीके से वो बाइक पे, बख्तरबंद गाड़ियों पे पूरे अयोध्या में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या।